मुझे एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नज़र आई, यूएई मार्केट को मेरे छोटा भाई वहाँ पर होता है, उसने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पर अगर कुछ मार्केटिंग करना लोग जान जाए ना तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अवेलेबल है। क्लाइंट्स का जब काम कर रहा हूँ तो आप किसी के ब्रांड नेम नहीं यूज कर सकते, लाइक आप एप्पल की प्रोडक्ट्स ही डायरेक्टली जो है वो सेल कर रहे हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा जो है वो बताएं कैसे आप जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन ब्रांड नेम की वजह से वो नहीं कर पाते, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी वायलेशन आपने भी अभी बोला है कि जो है वो आती है, तो इस तरीके को कैसे टैकल कर रहे हैं? हम लोग प्रोडक्ट ऐसे में काम करें कि हर एक बंदे की नीड है, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत रहती है, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने ये बेहतर लगा कि यार ये मार्केट बहुत अच्छी है, इसमें अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर दें कस्टमर को तो बहुत बेहतरीन किस्म का काम किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एड्स विजर्ड्स, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं? तो इंडस्ट्री लीडर्स की सीरीज़ के अंदर जो है वो आज मेरे साथ एप्पल मैन मौजूद हैं जिनका माशाल्लाह यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, तो आज हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लर्निंग के लिए मिलेंगी। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ हैं अवैस असलम और इनको आप लोग एप्पल मैन के नेम से जानते होंगे। अवैस भाई क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, आई एम गुड, थैंक यू सो मच, गुड राइटिंग एट योर शो, अच्छा लगा माशाल्लाह, आपने जो कॉन्सेप्ट अपना बताया माशाल्लाह जबरदस्त है, गुड। अच्छा अवैस भाई, थोड़ा सा अगर ऑडियंस को जो है वो बैकग्राउंड बता दें किस तरीके से आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो खड़ी की, तो उसके बारे में थोड़ी सी ऑडियंस को नाउ हाउ जो है वो दे दें। एक्चुअली फैसल भाई, इट्स अ स्मॉल जर्नी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एम्पायर की तरफ चली जाए, और स्टार्ट हम लोगों ने ऐसे किया था जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट को होता है कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला से बस एक दुआ रखी हुई थी कि यार जो है ना किसी तरीके से बस हम लोग फ्रूटफुल हो जाए, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी ज़रूर, क्योंकि जो है ना एम्प्लॉयमेंट वाला माइंडसेट कभी था ही नहीं ज़िंदगी में, कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि हमेशा जॉब को प्रेफर दिया, जब भी जॉब भी की तो वो भी अच्छे तरीके से की, उसमें भी कभी इस चीज़ को नहीं किया कि भाई हमारी अगर जॉब छोटी है, हम एक इंटर्न है, हम उतना ही डिलीवर करें जितनी हमारी जॉब के ऊपर सैलरी पे की जा रही है, तो बस एक छोटी सी इस तरीके से जर्नी थी। अपना स्टार्ट हम लोगों ने किया मैंने हवावे से, बाई प्रोफेशनल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और जैसे नॉर्मली पाकिस्तान का ट्रेंड है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब वगैरह तो आपको मिलती नहीं है, तो लेकिन आई वॉज लकी इनफ के ड्यू टू माई नेटवर्किंग मुझे जॉब मिल गई पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हवावे के अंदर, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज ए इंटर्न, और उसका फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मुझे बहुत छोटी एज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, बिकॉज एक हंगर तो अब मौजूद था कि यार काम करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें वहाँ के लोग जो सीनियर्स थे वो दे आर काइंड इनफ, मैं ज़रूर कोट करूँगा फहीम भाई को, राशिद भाई को, जिन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यार ये बच्चा जो है बेशक इंटर्न है लेकिन इसकी कैपेसिटी किसी एम्प्लॉय से कम नहीं है, उन्होंने चांस देते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मिल जाने से स्टार्ट हुई बेहतर भी। अच्छा अवैस भाई, मेरा अपना बेसिकली मानना यह है कि अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है वो बनना चाहते हैं तो मार्केट के धक्के थोड़े से खाने पड़ते हैं आपको, और उसमें बेसिकली ये होता है कि वो जो आपको नॉलेज मिल रहा होता है ना वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता, जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, जितनी मर्जी डिग्रीज जो है वो आप कर लें, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास जो है वो नहीं आता उस टाइम तक जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर जिस तरह आपने अभी बताया तो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली। फैसल भाई 100% आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल मार्केट वाली और बिल्कुल ठीक है, जो तो कोर्सेज हैं या बाकी डिग्रीज वगैरह वो आपको नॉलेज ज़रूर देती हैं और वो बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए, लेकिन जो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो आपका एक कंपनी आपका बॉस वही प्रोवाइड किया जाता है और वही बेहतर करता है, जिस तरह जैक मा हमेशा ये कहता है कि भाई जान जब आप हैं अपने 30s के अंडर तो आप कोशिश करें एक सॉलिड बॉस को एक सॉलिड कंपनी का पार्ट बने जहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमारे साथ मसला ये है कि एक बच्चा जो छोटा सा कोर्स करता है या डिग्री कंप्लीट करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो पहले दिन ही या तो किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर जाकर बैठ जाए या फिर उसको कुछ इस तरीके से हो जाए जिस तरह के भी सारी एम्पायर जो है ना उसी का वेट कर रही है, वो धक्के खाने के लिए एग्री नहीं होता। धक्के इन सेंस रियल धक्के नहीं है, रियल इसका धक्के का मतलब ये है कि आपको अपनी मैं ख़त्म करके काम करना, प्रैक्टिकल नॉलेज। आई यूज टू डू, मैं इंजीनियर था और क्या कहते हैं घर वाले समझ रहे कि बच्चा इंजीनियर है, घर से गाड़ी पिक करने आ रही है, ड्रॉप करने जा रही है, वो साइड पे क्या काम कर रहा है, साइड पे वैसा केबल पुलिंग कर रहे हैं मजदूरों के साथ मिलकर। अब उससे फायदा ये होता था कि भाई
जब साइट के ऊपर वैसे अवेलेबल है, तो जो आपका लेबर तबका है या जो भी आपसे नीचे वाले लोग हैं वो आपको डॉज नहीं करवा सकते, आपको पता है कि किस काम के लिए एक्चुअल में कितना टाइम चाहिए। तो ये जो आपके करियर का पार्ट होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने 4 साल डिग्री की है, 1 साल का कोर्स किया है, इसके बाद 2 साल का 1.5 साल का मेरे पास, यू आर इट्स डिपेंड ऑन योर लक कि आपको बॉस कैसा मिलता है, आपको कंपनी कैसे मिलती है। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, मनी को साइड पर रख के आपको नॉलेज के लिए, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ये काम करना चाहिए। मेरा 100% इस चीज़ के ऊपर बिलीव है। ठीक है। अच्छा अवैस भाई, एप्पल मैन का आइडिया कहाँ से आया आपको? एप्पल मैन का आइडिया मुझे इस तरीके से आया, मैं ये कहूँ कि ये मेरा कोई विजन था या इस तरीके से, ऐसा नहीं था, खाने के लाले थे, ठीक सीधी सी बात ये। और जो है ना क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एक इससे पहले स्टार्टअप किया टाटा इंजीनियरिंग के नाम से, वो बहुत बुरी तरीके से पिटअप, और घर पर आ गए, कोविड ने हिट किया और कुछ समझ नहीं आ रहा था करने के लिए ना। तो अल्लाह ताला ने बस ये रखा कि यार ये लर्निंग करता रहे, लर्निंग करता रहे, यही रहा जहन में कि बस लर्निंग करनी है, फ्री कोर्सेज लेते रहे, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते रहे, सर शाम से वो सीखा, बाकी लोगों से वो सीखा, और बस यही हमेशा जहन में रखा कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। साथ में मैंने किसी बंदे को ऐसे अप्रोच नहीं करना कि भाई मुझे मार्केटिंग सिखा दो, मुझे कुछ नहीं आता। सर्टिफिकेशन छोटी छोटी की, लोगों के ग्रुप्स में ऐड हुआ, लोगों को जवाब देना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने कर रहा है ऐसा स्टार्ट किया कि भाई मुझे एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नज़र आई, यूएई मार्केट को, मेरे छोटा भाई वहाँ पर होता है, उसने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पर अगर कुछ मार्केटिंग करना लोग जान जाए ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत अवेलेबल है। तो मैंने खुद इसके ऊपर सर्च किया, देखा कि यार यूएई में लोगों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करने का, बट उनके पास इशू ये है कि उनके पास टाइम नहीं है जाके लेने का, उनके पास इतना टाइम नहीं है अपनी ड्यूटी से निकल के, अपने 9 to 10 hours वहाँ पे कंप्लीट करके ट्रैफिक में फंस के, कि वो स्पेसिफिकली मार्केट में जाएं और वहाँ जाके प्रोडक्ट को सर्च करें और उसके बाद जाने दें। हम लोग प्रोडक्ट ऐसी में काम कर रहे हैं कि हर एक बंदे की नीड है, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने ये बेहतर लगा कि यार ये मार्केट बहुत अच्छी है, इसमें अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर दें कस्टमर को, तो बहुत बेहतरीन किस्म का काम किया जा सकता है। अच्छा अवैस भाई, आप यूएई की मार्केट की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी आपकी कोई वेयर हाउस या इस तरह से? जी बिल्कुल, मैंने ट्राई किया था पाकिस्तान मार्केट को एक्सप्लोर करने का सारा कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी ऐसी नहीं है। यहाँ पे मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी सेलर्स अवेलेबल है वो रिफर्बिश स्टॉक को बेच रहे हैं, तो मार्केट कम्पीट करना बहुत मुश्किल था। जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है वो कोशिश करते हैं कि हमारी यूएई वाली वेबसाइट से ऑर्डर करके यहाँ प्रोडक्ट डिलीवर करवा लें किसी रेफरेंस के थ्रू। तो इस तरीके से ज़्यादा हमारा अच्छा सिस्टम है। मेन यानी आपका बिजनेस जो है वो सारा चल रहा है यूएई की मार्केट जी। चाय लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा यूएई की मार्केट के अंदर जो है वो मोस्टली आप जो है वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से कोई आपने ऑफिस बनाए हुए हैं, वेयर हाउसेज हैं, मार्केटिंग टीम है, लाइक कॉल सिस्टम तो मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं यूएई में जो है वो चल रहा, जिस तरह मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स वगैरह बने होते हैं, तो किस तरह से टीम मैनेज जो है वो कर? एक्चुअली जो एप्पल मैन का बेसिक विजन है वो इसी तरीके से है कि हम लोग जो स्टॉक है वो इम्पोर्ट करते हैं होलसेल के अंदर यूएस मार्केट से, और वहाँ पे हमारी क्यूसी टीम अवेलेबल है जो बेसिकली क्वालिटी इंश्योरेंस करती है, क्योंकि यूज़ में सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, और हम लोग यहाँ से उसका ऑर्डर जनरेट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल प्रूफ के जरिए, और हमारी वहाँ पर जो ऑपरेशनल टीम है बेसिकली वो डिलीवरी करती है, और प्रोडक्ट में अगर कोई मसले वगैरह आते हैं तो उसको हैंडल करती है। ठीक है। अच्छा अवैस भाई, क्योंकि एड्स विजिट कम्युनिटी प्योरली हम लोग एड्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं सोशल मीडिया कम्पेन्स और इस हवाले से, तो आपके बिजनेस को किस तरह से सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया एड्स लाइक फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, टिकटॉक, किस चीज़ के ऊपर मेनली आप फोकस करते रहे हैं, और बेसिकली क्या लर्निंग है, थोड़ी सी ऑडियंस से शेयर कर? बिल्कुल बिल्कुल पहुँचो, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्योरली जनरेटेड रेवेन्यू है वो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए है, क्योंकि हमारा यूज प्रोडक्ट है और उसके ऊपर कुछ वायलेशन पॉलिसीज वगैरह इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो उस वजह से हम लोग उसको ईजिली सेल आउट करते हैं। लेकिन एप्पल मैन की वेबसाइट अवेलेबल है, एप्पल मैन लिंक्डइन पे अवेलेबल है, एप्पल मैन पिंटरेस्ट पे अवेलेबल है, एप्पल मैन टिकटॉक के ऊपर अवेलेबल है, सारे प्लेटफॉर्म जो डिजिटल ही हैं उसके ऊपर एप्पल मैन की प्रेजेंस अवेलेबल है। तो ये स्ट्रेटेजी को मैंने यूज़ किया, ब्रांडिंग वाली स्ट्रेटेजी को, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट यही रखा कि यार मुझे अगर किसी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट कस्टमर नहीं भी मिल रहे हैं तो मेरी टीम को ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कि वहाँ पे एप्पल से रेलेवेंट कोई भी क्यूरी आती है उसको जवाब देते हैं, उनकी प्रोफाइल के अंदर हमारे लिंक्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमर वहाँ से हमारे पास डील डायरेक्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग मेरी जो अपनी पर्सोना है इस बारे में ये नहीं है कि भी मार्केटिंग का करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड को बूस्ट कर दिया या उसको कैंपेन सेट कर ली तो ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग की पूरी एक माइंडसेट होता है कि आप मार्केटिंग कर क्या रहे हैं,
हमारे साथ इशू ये आता है कि एक मार्केटिंग करने वाला बंदा मार्केटिंग को डायरेक्टली रिलेट करता है सेल के साथ। यहाँ पे पाकिस्तान में कंसेप्ट ही मार्केटिंग इक्वल टू सेल है, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक अलग डोमेन है, मार्केटिंग के जरिए सेल जरूर जनरेट होती है, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग आप बढ़ा दें आपकी सेल बढ़ जाएगी, हो सकता है मार्केटिंग ना भी करो आपकी सेल्स होती है। ठीक है, आप एग्जांपल ले लें, रोलेक्स की एड्स बहुत कम नजर आती है और बड़े स्पेसिफिक लोगों को नजर आती है। अब उनको मार्केटिंग, क्या वो मार्केटिंग नहीं कर रहे या उनकी सेल नहीं हो रही? 6 to 7 month की क्यू अवेलेबल है, मैंने लास्ट घड़ी के लिए अप्लाई किया तो 7 month की क्यू अवेलेबल है 5 million की घड़ी के लिए। तो आप अंदाजा करें इस चीज के लिए कि क्या वो मार्केटिंग में नहीं काम कर रहे हैं, वो ब्रांड की एक अलग स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मार्केटिंग और सेल को आपको दोनों कॉन्सेप्ट को अलग करना पड़ेगा। आपकी मार्केटिंग की टीम सेपरेट होनी चाहिए, आपकी सेल्स की टीम सेपरेट होनी चाहिए। अच्छा वैस भाई, इसमें जो लास्ट टाइम मैंने एड्स का अपना कोर्स भी जो है वो लॉन्च किया था फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस ऑलरेडी की हुई है, क्योंकि मैं डिफरेंट क्लाइंट्स का जब काम कर रहा हूँ तो आप किसी का ब्रांड नेम नहीं यूज़ कर सकते। लाइक आप एप्पल की प्रोडक्ट्स ही डायरेक्टली जो है वो सेल कर रहे हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा जो है वो बताएं कैसे आप जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन ब्रांड नेम की वजह से वो नहीं कर पाते, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी वायलेशन आपने भी अभी बोला है कि जो है वो आती है, तो इस तरीके को कैसे टैकल कर रहे हैं? इसका बेस्ट तरीका ये है कि देखें, हमारा एप्पल मैन ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड ब्रांड है UAE के अंदर, आपकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारे साथ मसला ये होता है कि बच्चे बिजनेस स्टार्ट करना कर देते हैं लेकिन उनको इस चीज़ की रियलिटी चेक नहीं पता होता कि यार हमारे एड्स मैनेजर को, हमारे बिजनेस मैनेजर को अप्रूव करवाने के लिए हमारे बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कितनी ज़रूरी है। तो नेम के हद तक तो आपका जरूर डेफिनेटली आपकी लिमिटेशन ज़रूर आती हैं, जिस तरह हम लोगों ने अब एप्पल मैन किया हुआ है तो इसकी ब्रांड की एक आइडेंटिटी भी है और इसकी लिमिटेशंस भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर स्टार्ट में आपको लिमिटेशन ज़रूर आएंगी, लेकिन जब आपका एक सोशल प्रूफ जनरेट हो जाता है कि आप एक ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके कुछ मिसयूज नहीं कर रहे, ठीक है, आप अब अगर आप देखें कि एप्पल मैन इज द ओनली ब्रांड, इसके बाद 2500 वीडियो रिव्यूज हैं अपने कस्टमर के ऊपर, सर्विस प्रोवाइड के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर। अल्टीमेट अच्छा, यहाँ पे अभास भाई ने एक चीज बोली है 2500 रिव्यूज, और मुझे इटसेल्फ पता है क्योंकि जब भी क्लाइंट को सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो रिटर्न रिव्यू लेना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो 2500 वीडियो रिव्यूज, तो ब्रांड का आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कैसी एम्पायर जो है वो अवैस भाई ने खड़ी की हुई है, जिसको खुद अभी तक नहीं मान रहे। ये छोटी सी मेरी क्योंकि ख्वाहिश है, मैं इसको पूरे वर्ल्ड वाइड लेकर जाना चाह रहा हूँ। मेरी अपने माइंड सेट यही है कि मुझे ऑफिशियली एप्पल को पाकिस्तान में लेके आना है, वो थ्रू सर्विस प्रूव ही है कि मैं आपको बता सकूँ कि यार पाकिस्तान में बैठे हुए लोग आपके कस्टमर्स के साथ बुरा नहीं करेंगे। एप्पल को यहाँ आने में मसला नहीं है, एप्पल को मसला यह है कि दे नीड समवन हु इज ट्रस्टवर्दी इनफ, जिसका एक सोशल प्रूफ अवेलेबल हो कि यार ये हमारी प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ पैसा नहीं बनाना चाहता, इसके ऊपर ये आगे सर्विस भी प्रोवाइड करना चाह रहा है। अगर आप इसको अल्टीमेटली देखें कि एप्पल मैन ने अगर 2500 रिव्यू इकट्ठे किए हैं तो वो 2500 रिव्यू एप्पल की प्रोडक्ट के भी हैं। Exactly. इसमें एप्पल का भी फायदा है कि एक हमारी प्रोडक्ट जो 10 साल पुरानी भी है वो स्टिल मार्केट में किसी बंदों की कंपनीज की नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी है। एज कम्पेयर टू अगर आप किसी दूसरे कंपनी का, किसी ब्रांड का नाम लेंगे, उसका 10 साल पुराना प्रोडक्ट नहीं एग्जिस्ट करता मार्केट के अंदर। तो जैसे जैसे ये एप्पल मैन को फायदा है, इस तरीके से ये एप्पल को भी फायदा है कि एप्पल मैन इसके लिए काम कर रहा है और सारी चीजें कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा अवैस भाई, ये बताएं, जिस तरह आपने भी कहा कि एप्पल को पाकिस्तान में भी लाने के लिए आप भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी एप्पल मैन को जो है वो ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो एक तो पहले आप बता दें आपके पास कितनी अभी टीम है राइट नाउ, प्लस लाइक एड्स विजर्ड या कम्युनिटी, क्योंकि मोस्टली मेरे पास जितने भी लोग हैं एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया फैसल भाई, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली ये चीज़ डिस्कस भी करना चाह रहा था कि हम लोगों का स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेलेबल है, वी नीड एफिलिएट्स जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर हम इस ब्रांड की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उनके साथ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड जिस कस्टमर से पैसे ले रहा है हमारी भी ओनरशिप है। अब मसला ये आता है कि आप किसी भी एक रैंडम इन्फ्लुएंसर को उठा के आप उसे प्रमोशन तो ले लेते हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो कंपनी होती है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देती है कि भाई आप अपने ऑडियंस का जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, बैक एंड के ऊपर एप्पल मैन की ये प्रोग्राम जरूर अवेलेबल है कि आपके रेफरेंस से जो भी कस्टमर आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी रेदर देन जो कस्टमर हमारे अपने प्लेटफॉर्म से आया है, ताकि आपका भी सोशल प्रूफ अवेलेबल हो कि आपने जिस भी ब्रांड की प्रमोशन किया थ्रू एफिलिएट
थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये कंपनी अपने इन्फ्लुएंसर्स को ऑन करती है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान लॉन्च किया। बेसिकली हम लोग इसके अंदर तकरीबन 10,000 इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें एफिलिएट्स भी और जो भी इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग जिसके पास एक मोबाइल अवेलेबल है और वो उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है, हमारी नज़र में वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसको, और उसको साथ हम लोग प्रोडक्ट की डिटेल प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा उसको एक अच्छे कमीशन स्ट्रक्चर के ऊपर अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह गुड। अच्छा आप लोग भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिंक देख सकते हैं, जहाँ से आप अवैस भाई के साथ जो है वो एज एफिलिएट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अवैस भाई अगेन जो कोई भी न्यू पर्सन है कहीं पे भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहे और तो आप बेसिकली उसको क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान में यूएई में एज अ बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सी स्ट्रगल्स हैं जिसको हर बंदे ने कम्पीट करना ही करना है और किस तरह से अगेन सोशल मीडिया के ऊपर वो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हुए वो सारी स्ट्रगल्स का आंसर दे सकता है। इसका सबसे आसान तरीका ये देखें, अगर आप एक छोटी सी शॉप भी बनाते हैं ना तो उसके लिए आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके रेंट देना, उसके बिल्स देना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Exactly. तो आप हमेशा कोशिश करें आप जिस भी किस्म का काम करना चाह रहे हैं उसके सोशल हैंडल सारे के सारे अपने पास ऑलरेडी सेव रखें, ठीक है, अपने सारे ब्रांड्स के ऊपर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको सेम नेम से रजिस्टर करके रखें अपने पास। आपने अगर एक शू का ब्रांड भी लेट्स को लॉन्च करना है तो वो मैटर नहीं करता कि वो शू का ब्रांड आपने कब 6 महीने के बाद लॉन्च करना है, आपकी प्लानिंग पहले दिन से स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी ब्रांडिंग के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको सेम नेम से हर जगह पर लोग सर्च कर सकें। तो अगर आपने यूएई में बिजनेस करना है या पाकिस्तान में बिजनेस करना है, बिजनेस का माइंडसेट सेम रहता है, ठीक है। बिजनेस का सिंपल सा असूल ये है कि आपने अच्छी सोर्सिंग करनी है और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। मैं आपको वेरी ऑनेस्ट बड़ा इंटरनल चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर ये चीज़ अवेलेबल है कि मैंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके पैसे लेने हैं तो अल्लाह ताला आपके साथ इतनी हैवी मदद डाल देता है कि आपको समझ नहीं आती है। अगर हम दीन दुनिया को निकाल दें, हम एक जनरल बात भी करें कि आप किस ब्रांड से प्रोडक्ट बाई करना पसंद करेंगे, डेफिनेटली जो बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और प्राइस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है, इवन आप प्रीमियम प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है। आप हमारे पास ऐसे कस्टमर्स अवेलेबल हैं जो हमें कहते हैं कि भाई आपसे ही प्रोडक्ट लेना है, हम 2 महीना वेट कर लेंगे, यूज में प्रोडक्ट है हम लेंगे आपसे ही। रीज़न बिहाइंड क्या है कि उनको पता है कि एप्पल मैन कोई एक प्रोडक्ट सेल करने नहीं बैठा हुआ, वो बेसिकली आपको पूरे की पूरी जर्नी दे रहा है। मैं आपको अपना थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ कि हमारी यूएसपीज क्या है। हम लोग कस्टमर को कहते हैं कि भाई जान हमारी चेक बिफोर पे है, आपने ऑर्डर हमें ज़रूर किया, हमारी टीम भी चेक करके भेजेगी, प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम भी आपके प्रोडक्ट चेक करके ले सकते हैं हम। कस्टमर इस चीज़ को बड़ा सेटिस्फाई है कि यार मेरे पास एक राइडर आ रहा है, मेरी डिलीवरी फ्री है, अगर प्रोडक्ट वही है जो मुझे बताया गया तो ओके है, अदरवाइज मुझे दूसरा यूनिट भेजना है। फिर दूसरी चीज़ ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, इसके अंदर बाजू का ये होता है कि मेरा बजट है, वहाँ पर सैलरी कस्टमर ज़्यादा है तो उनका बजट है कि आज मेरा बजट 500 दिरहम का, लेकिन नेक्स्ट मंथ उनके पास 200 दिरहम की और सेविंग अवेलेबल है, वो देख रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने लास्ट मंथ आपसे प्रोडक्ट बाय किया, मैं इसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, हम विदाउट डिटेक्शन ऑफ लास्ट अमाउंट वो हमारी प्रोडक्ट उसी कंडीशन में उसने रखा, वो जो कि पॉसिबल होता है क्योंकि हम कस्टमर को साथ में कवर लगा के भेजते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के भेजते हैं, एक्सेसरी साथ में गिफ्ट करते हैं ताकि उसकी बैटरी भी डैमेज ना हो, तो ये सारी की वजह से उसके प्रोडक्ट हमें पता है कि वैसे की वैसे अवेलेबल है, हम प्रोडक्ट उससे रिटर्न ले लेते हैं, उसको नई अपग्रेडेड भिजवा देते हैं, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट और डिलीवरी चार्जेस पे करना होगा। ये सर्विस है, पेज हम लोग प्रोडक्ट रहे हैं लेकिन हमारे पास सर्विस है। हम लोग मेरी टीम को स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कि अगर आपने न्यू ऑर्डर के ऊपर बाद में फोकस करना है तो कस्टमर ऑलरेडी हमारे हैं उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। हम लोग कस्टमर रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर कि यार बहुत ज़्यादा मार्केट में स्कैम अवेलेबल है, हमारे यहाँ से लोगों ने चीज़ें सीख के जो है ना कंपनीज बनाई और सारा कुछ किया, बैकएंड के ऊपर कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। तो इसलिए वजह से हम लोगों ने मेक श्योर किया हुआ है कि हमारी सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं, कंपनी हमारी इस चीज़ को ऑन करती है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म से जाएगा वो हमारी 100% ओनरशिप के अंदर है लाइफ टाइम के अंदर। कस्टमर को लाइफ टाइम में कोई मसला आता है ना प्रोडक्ट के अंदर तो हमारी चैट सपोर्ट उसके लिए अवेलेबल होती है। तो ये बिजनेस डेवलप करने के लिए ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप को अल्टीमेटली पैसा गोल है, जरूर है, होना भी चाहिए, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। मैं अपनी टीम को भी ये चीज़ कहता हूँ कि पैसा आपका गोल होना चाहिए लेकिन साथ में आपको कम्युनिटी बिल्डिंग भी करनी है, साथ में आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई जो पैसा मेरे पास आए वो हक हलाल तरीके से है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही। अच्छा अवैस भाई ने 2-3 चीज़ें जो है वो बताई हैं जिस पे आप लोग भी फोकस कर सकते हैं। सबसे पहली गलती जो कि अक्सर बिजनेसेस जो है वो यही कर रहे होते हैं, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। यूज़र नेम स्पेशली, लास्ट टाइम भी मैंने जो है वो इसके ऊपर सेशन किया था, सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम्स
किस तरह से यूजर नेम आपका ब्रांड बिल्ड जो है वो कर सकते हैं, जिसका आप लोग अभी राइट नो आइडिया नहीं लगा सकते। सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी चीज़ें जो है वो नहीं होती कि अगर सेल्स ही आ रही हैं तो आपका बिजनेस चल रहा है, जो ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड बिल्डिंग होती है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। सेकेंड चीज़ जो अवैस भाई ने अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस की है कि आप लोग जो है वो पहले वैल्यू क्रिएट करें। जब वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आप लोग प्रीमियम प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो जितने भी बेसिकली अच्छे बेसिकली मैं फॉलो कर रहा हूँ, ग्रैंड कार्डन है आजकल, एलेक्स हारमोजी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने भी जो है वो बेसिकली बातें जो है वो की हुई है कि आप जो है वो बेसिकली वैल्यू पहले क्रिएट करें। उस वैल्यू के बेस के ऊपर अगर कोई दूसरे लोग जो है वो $100-$200 चार्ज कर रहे हैं, आप 400-500 भी चार्ज कर सकते हैं। और एक लोकल एग्जाम्पल जो है वो मैं देता हूँ, जो कि रिसेंटली कल मैंने जो है वो की कि एक जगह पे बेसिकली ये गुड सेल कर रहा है तो वो 150 रुपये किलो था, और थोड़ा सा जो है वो मैं आगे गया हूँ तो वहाँ पे वो कह रहा था कि तंदूरी चाय के लिए स्पेशल गुड़ है ये 250 रुपये किलो है। तो वो उसने एक वैल्यू क्रिएट कर दी, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझ रहा था कि इसने एक वैल्यू क्रिएट की है और है बेसिकली वही गुड़ है जो उसमें जो है वो यूज हो। ऑल अबाउट हाउ यू आर सेलिंग। एग्जैक्टली, ठीक है, आपको कस्टमर को आप सेल कैसे कर रहे हैं। कस्टमर बेवकूफ नहीं है लेकिन उसको अच्छा लगता है प्रीमियम चीज लेना। एग्जैक्टली, फिर मार्केटिंग के अंदर आपको इस चीज को बड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपकी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर आप वर्ड क्या यूज कर रहे हैं। आई हैव सीन द मेनी मार्केटिंग कैंपेन जिनमें लोगों ने लिखा हुआ विजन चीप प्रोडक्ट। अब आप ये अंडरस्टैंड करें क्या आप चीप प्रोडक्ट बाय करना पसंद करेंगे। नहीं, इसका आपको अंडरस्टैंड करना है इट्स अफोर्डेबल। वर्ड से खेलना जो है वर्ड से खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कैंपेन्स के अंदर सारी चीजें वही है। आपको डिस्काउंट जरूर ऑफर करना है लेकिन डिस्काउंट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है 75% डिस्काउंट भाई इट्स नॉट रियलिस्टिक। लोग समझते हैं 75% कोई डिस्काउंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो जब भी आप ऑफर करें कैंपेन करें तो आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। कस्टमर को आपने कभी नहीं समझना कि कस्टमर बेवकूफ़ है। एग्जैक्टली, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ही वहाँ होती है जब आप कस्टमर को बेवकूफ समझ लग जाते हो। और रियलिटी ऐसा है कि लोग समझते हैं कि यार वो तो कहीं पे बैठा हुआ है, मैं कुछ भी एडवर्टाइज करूंगा और जो है ना वो सेल कर बाय कर लेगा, वो एक दफा बाय करेगा आपसे, दो दफा करेगा, फर्स्ट टाइम सिर्फ जो है वो होगा। तो हमने सेल्स के ऊपर नहीं जाना, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर जाना। अच्छा, एक चीज और जो मैंने जब अवैस भाई का आज ऑफिस विजिट किया, मेरे लिए जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज है और मैंने ये हर जगह पे तकरीबन देखा है, जो भी लोग बिजनेस माइंडेड लोग हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो चलना चाहते हैं, तो हमेशा मैंने जो है वो उनके ऑफिसेज के अंदर बुक्स देखी हैं कि वो कंटिन्यूसली जो है वो लर्निंग और ये चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। तो अभी भी राइट नाउ टेबल के ऊपर अवैस भाई ने जो है वो एसेंशियल्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, तो अपने नॉलेज को अप टू डेट जो है वो रखते हैं। तो हमारी तरफ से भी यही सजेशन है कि अपने नॉलेज को लाजमी जो है वो अपडेट करते रहे, आपका भी नॉलेज और आपकी टीम का भी नॉलेज। वैसे हमारी टीम का एक जो है ना हमारा रिचुअल है, हमारी KPIs का पार्ट है कि बच्चे ने 15 मिनट आके बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, गुड। अगर आप ये चीज़ देखें तो अल्टीमेटली मेरा सेल की जॉब है, सेल का काम है लड़कों का, तो वो उसका क्या लेना देना बुक रीडिंग के साथ। मेरा बल्कि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना कम से कम, लेकिन अगर मुझे अपने टीम को भी उस लेवल के ऊपर लेके जाना तो उनको सेम नॉलेज से इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉईज बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने बहुत से CEO से डिस्कस की, सारा कुछ किया, वो इवेंट्स के ऊपर अपने टीम्स को नहीं लेके जाते, वो लोगों से नेटवर्किंग नहीं करने देते हैं कि कहीं उनको अच्छी जॉब ऑफर ना हो जाए कुछ इस तरीके से। लेकिन इसका नुकसान है आपकी जो, जब आप स्टार्टअप फेज के अंदर है ना, आप अकेले नहीं भाग सकते, आप कितना भाग सकते हैं, आपको टीम बनानी है और आपकी टीम भी उसी माइंडसेट की होनी चाहिए जो आपका माइंडसेट है। मेरी जो टीम के एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे टीम मेंबर हैं, मेरे भाई हैं, कुछ लोग एतराज़ करते हैं इससे, कुछ एग्री करते हैं, मैंने उनको बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ। तो उनकी भी सेम विजन है जो मेरा विजन है कि हमने पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड जो है ना एप्पल मैन का नाम लेके जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो वो सेम विजन के ऊपर अलाइन है। वैसे भी यू वॉन्ट बिलीव कि अगर रात को हम 2 बजे तक भी बैठे काम कर रहे हैं, सुबह 11 बजे तक आके तो मेरी टीम बैठी होती है। सही है। रीज़न क्या है कि उनका भी सेम विजन है, मेरा विजन है, और उनकी टेक केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ करना, लेटेस्ट डिवाइसेज, ईच एंड एवरीथिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी कर सकूँ। तो टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। सही। चलें अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। लास्ट पे कोई एडवाइस जो है वो एड्स विजर्ड और कम्युनिटी को बेसिकली जो है वो करना चाहिए। फैसल भी एडवाइस नहीं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि यार जब भी आप एड रन करें या बाकी चीज़ें करें तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि रन करने के बाद जो प्रोडक्ट डिलीवरी है ना वो बीइंग मुस्लिम वैसे ही हो जैसे आपने दिखाई है। शॉर्ट टर्म के अंदर ना आ जाए। आप एक प्रोडक्ट को गलत एडवर्टाइज करके सेल्स तो काफ़ी जनरेट कर सकते हैं,
बट अल्टीमेटली सेल का आपने करना है, फायदा क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये जो बूस्ट का बटन दबाने से पहले आपने इस चीज़ को जरूर देख लेना है कि यार क्या मैं बाकी वो चीज़ डिलीवर कर पाऊंगा जो मैंने मेंशन किया हुआ है। ये एथिक्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर एडवर्टाइजमेंट के बारे में और चीज़ों के बारे में समझते हैं। फैसल भाई आपके टीचर हैं, तो जो फैसल भाई स्ट्रेटेजी बताते हैं वो बेहतरीन है, लेकिन ऐड क्रिएटिव के अंदर या ऐड आप लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बीइंग मुस्लिम इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो चीज़ बताई जा रही है वैसे डिलीवर की जाए। चलें जी, एड्स विजर्ड्स अगेन, मैं अपनी तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करता सर, हूँ। थैंक यू आपने सो जो है मच। वो टाइम दिया नहीं और सर, आपका टाइम वैल्यूएबल भी सो मच, सजेशंस। नहीं थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें अलाउ किया कि हम लोग अपने एफिलिएट प्रोग्राम आप लोगों से शेयर कर सकें और कुछ छोटी मोटी लर्निंग्स हम आपके साथ शेयर कर सकें। हम हम्बल के आप लोगों ने विजिट किया हमारे ऑफिस का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैस भाई। एड्स विजर्ड इंशाल्लाह इसी तरह से नेक्स्ट और सीरीज और लोगों के साथ जो है वो आपके साथ मिलते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। सलाम।